और उसको टीका ले लिया। उस सेठ स्वामी ने अमर कोश पर जो टीका लिखी है, टीका में उन्होंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अब जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वो उदाहरण उन्होंने उसमें से कतिपय उदाहरण वेणी शहर में से लिए हैं। तो इससे भी पता चलता है कि सेठ स्वामी से पहले भट्ट नारायण हो गया होगा। तो सेठ स्वामी का समय 1100 का 11वीं सदी का यानी कि 1100 का पूर्वार्ध माना गया। पूर्वार्ध यानी कि 1100 करीबन 1150 के आसपास का समय सेठ स्वामी का माना गया है। तो दूसरे इस प्रमाण से हम भट्ट नारायण के बारे में कह सकते हैं कि भट्ट नारायण 1150 के बाद नहीं हुए होंगे, उससे पहले हो गए होंगे। तभी सेठ स्वामी अपने अपनी टीका में अमर कोश पर आधारित टीका में वेणी शहर में से कुछ पद्य ले सकता है। उसके बाद राजा भोज संस्कृत साहित्य में राजा भी था और एक वैयाकरण का कवि भी था। तो राजा भोज ने सरस्वती कंठावरण ग्रंथ लिखा है और राजा भोज ने इस सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ में वेणी शहर में से कतिपय पद्य उदाहरण के लिए लिए है। तो अब राजा भोज का समय उस समय काल निर्धारण के अनुसार 1070 माना गया है। तो इससे भी पता चलता है कि राजा भोज का समय पहले देखे मम्मट का समय 1100 आसपास, ये 1100 पूर्वाध यानी कि 1150 के आसपास से स्वामी का समय निकल चुका है। राजा भोज का समय 1070 के आसपास का समय निकल हुआ है। तो इससे पहले भट्ट नारायण हो गए होंगे, ये इन तथ्यों के आधार पर प्रतीत होता है। इसके बाद राजा भोज के बाद आते हैं धनंजय। तो धनंजय ने दशरूपक नामक ग्रंथ में वेणी शहर में से कुछ पद्य लिए हैं। अपने इस ग्रंथ में इसमें से कुछ पद्य उदाहरण के लिए समझाए हैं। तो धनंजय का समय दसवीं सदी का उत्तरार्ध है, यानी कि 1050 के आसपास का समय धनंजय का माना गया है। तो इसके आधार पर भी हमें पता चलता है कि भट्ट नारायण के वेणी शहर में से जिस धनंजय ने अपने 10 रूपक ग्रंथ में कुछ पद्य लिए हैं, तो उनका समय यदि 10वीं का उत्तरार्ध यानी कि 1050 के आसपास का माना गया है, तो भट्ट नारायण इससे पूर्व हो गए होंगे। उसके बाद देखते हैं आगे। तो आगे भट्ट नारायण के बारे में उल्लेख मिलता है वो धनंजय के बाद आती है आनंद नंदन। आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ लिखा है। आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में वेणी शहर में से कुछ श्लोक उदाहरण समझाने के लिए लिए है और वेणी शहर का स्पष्ट उल्लेख उन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। जो श्लोक उन्होंने लिए है वह वेणी शहर में उपलब्ध होते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि आनंद वर्धन का समय कौन सा था, इसके आधार पर भट्ट नारायण का समय निर्धारित किया जा सकता है। तो आनंद वर्धन का समय 9वीं सदी ईस्वी सन का उत्तरार्ध यानी कि 950 माना गया है। तो इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं, देखिए 1150 1070 10वीं सदी और 950 इन
प्रमाणों के आधार पर हमें पता चलता है कि 950 से भी पूर्व भट्ट नारायण हो गए होगी। उसके बाद आता है वामन नामक अलंकार का उल्लेख। वामन जिन्होंने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति का उल्लेख किया है। अब वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में वेनिस शहर में एक जगह जो व्याकरणीय प्रयोग मिलता है, यह व्याकरणीय प्रयोग वेनिस काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में वामन ने समझाने के लिए वेनिस शहर का उल्लेख किया है, जो व्याकरणीय प्रयोग मिलता है। और उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि वेनिस शहर में से इस प्रकार वर्णन मिलता है। तो व्याकरणीय शब्द एवं अर्थ के बारे में जो भी सती भूल समझाने का उन्होंने प्रयत्न किया है, ऐसे वामन का समय 8वीं सदी यानी कि ईस्वी सन 800 निर्धारित किया गया है। तो इन तथ्य से आधार पर भी हम कह सकते हैं कि वामन से भी पूर्व भट्ट नारायण हो गए। जो बाह्य तथ्य है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भट्ट नारायण वामन से भी पूर्व पहले ध्वन्यालोक का प्रमाण मिला, लेकिन ध्वन्यालोक का प्रमाण 950 का है, इसके आगे 8वीं सदी का उत्तरार्ध है। तो 8वीं सदी का उत्तरार्ध यानी कि 850 में वामन का समय निर्धारित होता है। तो वामन का समय जो 850 निर्धारित होता है उससे भी कई पूर्व भट्ट नारायण हो गए। इन तथ्यों के आधार पर भट्ट नारायण का समय निर्धारित करते हैं तो यह हम कह सकते हैं कि भट्ट नारायण 8वीं सदी के आसपास हो गए। लेकिन उसके बाद भी एक प्रमाण ऐसा मिलता है जिसमें बाण नामक गद्य कवि ने भस्चरित नामक ग्रंथ लिखा, नाटक लिखा। भस्चरित में बाण ने अपने से पूर्व हो गए कवि एवं नाट्यकारों का उल्लेख करते हुए उन्हें अहोभाव भरी अंजलि अर्पित की कि ये महान नाट्यकार थे, ये महान कवि थे, जिसमें कालिदास, बाण वगैरह सब कितने ही नाट्यकार एवं कवियों का उल्लेख किया है। तो बाण ने हर्षवर्धन में हर्षचरित में हर्ष की चरित्र का आलेखन किया है, उसमें प्रस्तावना में अपने से पूर्व हो गए कई नाट्यकार एवं कवियों का उल्लेख किया है। अब बाण हर्ष नामक राजा का दरबारी कवि था, सभा कवि था, सभा पंडित था, आश्रित था। तो हर्ष का समय ईस्वी सन की 7वीं सदी माना गया है। अब मान लो हर्ष का समय ईस्वी सन की 7वीं सदी माना गया है, हर्ष ने अपने बाण ने अपने हर्षचरित नामक ग्रंथ में अपने से पूर्व हो गए कवियों का, नाट्यकारों का उल्लेख करते हुए उन्हें अंजलि दी है, तो इसमें भट्ट नारायण का उल्लेख मिलता नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि बाण ने दूसरे भट्ट नारायण के अलावा कितने नाट्यकारों का उल्लेख किया है बाण का, और हर्षचरित का समय ईस्वी सन की 7वीं सदी माना गया है। तो यदि बाण से पूर्व भट्ट नारायण हो गए होते तो बाण अपने हर्षचरित में भट्ट नारायण का उल्लेख अवश्य करते। इससे पता चलता है कि भट्ट नारायण बाण के समय के पश्चात हुए हैं। तो इन सब तथ्यों के आधार पर भट्ट नारायण का समय हम निर्धारित करें तो भट्ट नारायण का समय निर्धारित होता है ईस्वी सन की 7वीं सदी का उत्तरार्ध यानी कि 7वीं सदी का उत्तरार्ध और 8वीं का आरंभ
तो इन तथ्यों के आधार पर हम भट्ट नारायण के बारे में कह सकते हैं कि भट्ट नारायण सात सौ पचास से आठ सौ पचास के बीच हो गए होंगे। यह तथ्य हम बाह्य जो साक्ष्य मिलते हैं इनके आधार पर प्रमाणभूत करते हैं। यह माहिती जो मिल रही है इसके आधार पर भट्ट नारायण का हम समय निर्धारित करते हैं। तो हमने इस प्रकार देखा कि भट्ट नारायण का समय कौन सा था, कौन से समय में भट्ट नारायण हो गए, तो यह था भट्ट नारायण के जीवन एवं समय के बारे में जनरल, जिसमें भट्ट नारायण का जीवन कैसा था वो हमने आगे देखा। आज समय निर्धारित किस प्रकार किया जाता है किसी भी साहित्यकार, किसी भी नाट्यकार, कवि का संस्कृत साहित्य में समय निर्धारित कौन से दो तरीकों से किया जाता है, कौन से दो तरीके अपनाए जाते हैं, जो पद्धतियाँ जिनके आधार पर समय निर्धारित होता है यह हमने देखा। इन पद्धतियों में से जो प्रथम पद्धति है अंतर साक्ष्य, इसमें भट्ट नारायण के बारे में कुछ भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। भट्ट नारायण ने अपने ही नाटक में अंतर साक्ष्य के अंतर्गत अपने से पूर्व नाट्यकार कवि साहित्यकार के बारे में कुछ भी प्रमाण दिए नहीं है और अपने साहित्य में ऐसा भी कोई प्रसंग नहीं आलेखा या तो प्रसंग आलेखन भी नहीं किया कि जिससे समय निर्धारित हो सके। लेकिन दूसरा प्रमाण है बाह्य साक्ष्य, इसके आधार पर समय निर्धारित हो सकता है। बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत भट्ट नारायण के बाद के जो भी कवि नाट्यकार आलंकारिक टीकाकार थे उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में भट्ट नारायण के मणिसहार नाटक में से कुछ पद्य, कुछ व्याकरणीय प्रयोग, कुछ उदाहरण अवधुत किए, उद्धृत करके समझाने के प्रयास किए। इनके समय को निर्धारित करते हुए भट्ट नारायण का समय इससे इन बाह्य साक्ष्य के आधार पर इन आलंकारिक टीकाकारों से पूर्व माना जाएगा, पूर्व मानते हैं। तो भट्ट नारायण का समय ईस्वी सन की सातवीं सदी का उत्तरार्ध और आठवीं सदी का पूर्वार्ध, यानी कि ईस्वी सन 750 से 850 के बीच भट्ट नारायण हो गए होंगे। अब उनकी कृति के बारे में चर्चा करें तो भट्ट नारायण की कृति वेणीसहार केवल एकमात्र कृति ही उपलब्ध है। अब वेणीसहार के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ओके अस्तु।